पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा का 3 दिवसीय खेल महोत्सव 2021 का शुभारंभ शुक्रवार को बाजितपुर स्थित खेल मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद मोहम्मद नफीसुल हक रिंकुजी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन्होंने आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बताया। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल के प्रतिभागी छात्र छात्राएं, शिक्षक प्रतिनिधि व स्कूल के डायरेक्टर उपस्थित थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के साथ स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल शिक्षकों ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होती है, जिसको बच्चों के बीच आपसी मिलजुल कर खेलने को दर्शाता है। वही स्कूल के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने आयोजन को ऐतिहासिक बताया। इन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में बल मिलता है। प्रतियोगिता के संरक्षक विक्रांत कुमार ने बताया कि महोत्सव में 15 प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता होगी, जिसमें दौड़, हाई जंप, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, साइकिल रेस, डिस्कस थ्रो तथा अन्य खेल शामिल है। अंतिम दिन पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक अनीता देवी, राखी कुमारी, दीपक कुमार सिंह, समीना खातून, श्रीकांत कुमार के साथ अंपायर राजू महतो, राजू के साथ खेल प्रभारी मोहम्मद मुजक्किर, प्रशांत कुमार, सहयोगी रितेश कुमार, अमन कुमार, फैज अहमद मौजूद रहे। वेलफेयर इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और यहाँ मौजूद स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं और जितने बच्चे, सबों को आज एनुअल स्पोर्ट्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आप लोग लगातार स्कूल को देखा जा रहा है, आज से ही बहुत दिनों से स्कूल, जब छोटे छोटे थे तब भी स्कूल में हमारा आना जाना था, और पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल लगातार कुछ न कुछ अपना एनुअल फंक्शन और जहाँ तक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है काम करती आई है और लगातार काम करती आ रही है। बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, स्कूल के बच्चे ऊंचाइयों तक जाए, अपना एक मकाम बनाए, अपने घर वालों का, स्कूल का और दरभंगा का नाम रोशन करे। लगातार स्कूल इस प्रयास में लगातार लगी रहती है। वहाँ के टीचर्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल जितने भी हैं, सब लोग लगे रहते हैं स्कूल के बच्चों को, बच्चों के पीछे की कुछ दिनों से सारे स्कूल बंद थे, जिस कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम इन लोगों को आई होगी, लेकिन भगवान के शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के, स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और टीचरों के प्रयास से फिर बच्चे यहाँ मौजूद हैं। और हम आप सभी बच्चों को भी कहना चाहेंगे कि जिस लगन के साथ आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, ऐसा ही आप लोग अपना लगन लगातार रखिए और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाइए। और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जो है जीवन में एक जरूरी है, तो ऐसा प्रोग्राम लगातार बच्चों को होना चाहिए स्कूल के तरफ से, जो आज हो रहा है और पहले भी होता रहा है, ताकि बच्चे पढ़ाई से हटकर खेल में भी थोड़ा रुचि रखें, ताकि सब फील्ड में उन लोगों का अपना जो है एक अपना वर्चस्व, अपना एक प्रयास रहे अपने आप को जो है मेंटली फ्री रहने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। तो आज मैं फिर से पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल के सभी लोगों का, पूरी टीम का और यहाँ मौजूद सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया कि इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आप लोगों की मैं उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर, द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।